गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग अंकित। ओके चलो, आज का जो टॉपिक है बेटा वो एंगल बाइसेक्टर्स के ऊपर। आप बोलोगे सर एंगल बाइसेक्टर्स तो ऑलरेडी जानते हैं, बट एंगल बाइसेक्टर अलग से एक गुड टॉपिक भी है। गुड इवनिंग बेटा। इसके अंदर बहुत कुछ आता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो वो हम देखेंगे आज। ठीक है, तो लगभग हम लोग का जो स्ट्रेट लाइन है और एंड मतलब से एकदम खत्म होने ही वाला है, और आज का लेक्चर 11 है, और मतलब इसी वीक हम खत्म कर देंगे। मतलब कल या परसों दो क्लासेस होगा, 13 क्लास में लगभग हो ही गया है। तो चलो देखते हैं। तो आज का जो पहला है टॉपिक बोल गया रहा है कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। मतलब अभी तक हम जानते हैं एंगल बाइसेक्टर होता क्या था, अब इक्वेशन के ऊपर काम करेंगे कि निकालते कैसे है इसका इक्वेशन जो है। बहुत ही सिंपल चीज है, हम देखेंगे और समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये वाला आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एंड तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये वाला आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्स, एंड ये आपका स्ट्रेट लाइन है दो। ठीक है, एंड हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। आप देखो इसमें टोटल चारों एंगल आपको दिख रहा है। ये वाला एक एंगल, ये वाला एक एंगल, ये वाला एक एंगल, ये वाला एक, तो टोटल चार एंगल के हिसाब से चारों बाइसेक्टर्स होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, दो ही बाइसेक्टर्स होगा। कैसे देखो, पहले गुड इवनिंग तो सर। मैं, गुड इवनिंग बेटा, पहले तो मैं ये वाला एक ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का तो यही आएगा, मतलब दो एंगल के लिए एक ही बाइसेक्टर, तो चार बाइसेक्टर नहीं आएगा, टोटल दो बाइसेक्टर्स आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एक बाइसेक्टर जिसको हम नाम दे देंगे B1, एंड सेम तरीके से इधर भी एक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा बी टी, राइट। और जी सर, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाला आपका L1 है लाइन, इसको L1 ले लेते हैं, एंड दिस वन इज L2 लाइन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपके पास लाइन वन एंड लाइन टू का भी इक्वेशन दिया है, मान लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस L1 दिया है आपको, क्या A1x B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, दिस इज L1, एंड L2 A2x B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक चीज देखो आप, ये जो है ना दो बाइसेक्टर सब जो दिख पा रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, B1 B2 है आपका एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन है और जी B1 B2 आर द एंगल बाइसेक्टर्स, हाँ या ना बोलो। सर, अब देखो ये दो एंगल बाइसेक्टर ना 90 डिग्री पे होगा, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। अब कोई बोल सकता है कि इन दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री ही क्यों होगा, कुछ और भी तो सर हो सकता है, ऑलवेज 90 डिग्री होगा। हाँ ऑलवेज 90 डिग्री होगा। अब कैसे हो रहा है देखो, थोड़े शॉर्ट में समझा देता हूँ, मतलब इसका डेराइवेशन नहीं दिखाएंगे अलग से, ये कोई मतलब डेराइवेशन लायक चीज भी नहीं है। अब देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये टोटल एंगल को ये वाला B1 दोनों सेम सेम एंगल में बांट दिया है, राइट। तो ये वाला जी एंगल सर, और ये वाला एंगल सेम होगा ना, यस सर,
और सेम तरीके से मैं बोल सकता हूँ ना, टोटल एंगल को बी टू दो सिमिलर एंगल, मतलब दो सेम एंगल में बांट दिया है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा ना? यस सर, यस सर। और एक चीज देखो कि ये टोटल एंगल तो 180 डिग्री हो जा रहा है, हाँ या ना बोलो? यस सर, यस सर। और ये 180 डिग्री जो हो जा रहा है कैसे, इनका दो पेयर, इनका एक टोटल पेयर और इनका एक टोटल पेयर मिलके, तो अगर मैं बोलूं ये एक पेयर ये एक पेयर हो रहा है, तो इससे अगर ये एक ले लूं और इससे अगर एक ले लूं, तो इन दोनों का एडिशन भी क्या हो जाएगा, 90 होगा, और इनका एडिशन भी आपका 90 होगा, ऐसे 90 प्लस 90 टोटल 180 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही हम बोल सकते हैं बेटा, ये जो मैंने दिखाया कौन सा वाला, ये टोटल मतलब ये वाला एक ले रहे हो और ये वाला अगर एक लेंगे, तो इन दोनों का एडिशन आपका क्या आ जाएगा सर, एडिशन होगा। ऐसा नहीं कि दोनों ही इक्वल है, इक्वल नहीं बोल रहे हैं हम, बोले दोनों का एडिशन आपका 90 होगा। बात समझ आया? जी सर। तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज। अब एक चीज देखो, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सर एंगल बाइसेक्टर जो है इसका इक्वेशन। अब एक चीज देखो, बाइसेक्टर जो बी वन है इसके ऊपर ना हम एक पॉइंट ले रहे हैं पी, ये वाला पॉइंट पी है, जिसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एच कॉमा के। अब हम ना ये पी से क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन के ऊपर, एक वाला ये, दूसरा वाला ये, मतलब ये वाला मेरा परपेंडिकुलर ही है। यस सर। इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं पॉइंट का बी। अब देखो ये दोनों ही सेम एंगल है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल, तो सेम है ना, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो मेरा इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ ना, पी पॉइंट से जो दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ये भी आपका सेम होगा, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी ना होगा? यस सर। बस बात हो गया, आपका जो P है इसका आप क्या जानते हो, पॉइंट जानते हो, और एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी आपको मालूम है, तो पी ए इक्वल टू पी बी कर दो, आ गया आपका बाइसेक्टर का फॉर्मूला मतलब इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, पी ए पॉइंट क्या है सर, एच के। तो अगर मैं पॉइंट को क्या लूंगा, मतलब अगर इक्वेशन क्या दिया है, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन, तो क्या था फॉर्मूला में, अगर हम पॉइंट से डिस्टेंस निकालने जाएंगे, तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, ये वाला हो जा रहा है आपका पी ए के लिए, क्योंकि एल वन जो है वो आपका ए वन ए बी वन से सी वन से आ रहा है। दिस इज इक्वल्स टू मॉड में आता था, तो मॉड अगर हटा देंगे तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू अपॉन ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के जरिए हम प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो एक बार सभी देख लो, कोई दिक्कत है कुछ अगर पूछना है तो पूछ लो, देन आइए इसके बाद प्रॉब्लम पे जाएंगे हम। थोड़ा एक बार रिपीट कर दो। ठीक, एक बार रिपीट कर देते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, इक्वेशंस देख पा रहे हो, आपका जो टॉपिक है आज का एंगल बाइसेक्टर्स के ऊपर है, तो एंगल बाइसेक्टर तो हम जानते हैं, नॉर्मली एंगल बाइसेक्टर क्या होता है सर, कोई भी एंगल को ऐसा एक लाइन जो कि दो इक्वल एंगल में बांट रहा है, लाइक 30 डिग्री को एक लाइन बीच में से जाके 15-15 कर दिया, तो ये सर हो जा रहा है एंगल बाइसेक्टर। अब इसको हमने क्या किया, इसका इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। तो कैसे करेंगे, तो देखो आपके पास मैंने डायग्राम दिखाया कि दो स्ट्रेट लाइन है L1 एंड L2, डायग्राम अच्छे से समझो, ठीक है, डायग्राम से सारा कुछ हो जा रहा है, कुछ और नहीं है, बाकी सिर्फ ये फॉर्मूला लिखा दिख दिया, कुछ नहीं है। L1 एंड L2 आपका दो क्या था, दो आपका स्ट्रेट लाइन था जिसका इक्वेशन आपको दिया है, देखो ब्लू कलर का, और स्ट्रेट लाइन भी ब्लू कलर में है। तो हमने दो क्या किया, पहले बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया बी वन बी टू, और मैंने दिखाया आपका जो बी वन बी टू है ये आपस में क्या है, आपस में आपका 90 डिग्री एंगल के होगा, ऑलवेज दोनों मतलब दो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ही होता है, इन दोनों के बीच में एंगल ऑलवेज 90 ही होगा, ये वाला हमने प्रूफ करके दिखाया। ये समझ आया सबको कैसे ये वाला 90 आ रहा है? यस सर, यस सर। मैंने दिखाया क्या कि ये वाला, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, देखो ये छोटा प्रूफ भी कर देता, चलो साइड में, आप ये वाला और ये वाला एंगल सेम है, तो आप मान लो ये वाला एक एंगल, ये वाला एक एंगल, एंड ये दोनों भी सेम है, तो आप इसको वाई मान लो, इसको वाई मान लो। अब इधर से बोल सकते हो ना कि वाई प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री,
टोटल आपका 180 है yes, और देखो इधर से 2x 2y, तो 2 into x plus y कितना बन जा रहा है, 180 ना बन रहा है, और इधर से हम बोल सकते हैं ना x plus y 90, और x plus y को आप ऐसे मान लो आप एक x ले रहे हो एक y ले रहे हो, तो x plus y आपका 90 ही ना होगा। यस सर यस सर। तो मतलब दो परपेंडिकुलर सॉरी दो बाइसेक्टर के बीच में एंगल ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होता है, मतलब दो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ही होते हैं, मतलब दोनों ही बीच में जो आएगा एंगल 90 है। तो ठीक है सर ये समझ गए। फिर हमने क्या किया कि एक पॉइंट लिया कोई भी एक बाइसेक्टर के ऊपर, और हमने क्या किया उससे दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है सर। तो हमने देखा है कि ये एंगल तो सेम होगा, तो ये अगर एंगल सेम हो जा रहा है तो ये तो ट्रायंगल भी अगर कंग्रुएंट बनेगा, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। कंग्रुएंट कैसे बनेगा देखो, ये दो एंगल सेम है, ये दो एंगल भी आपका सेम आ जाए, मतलब ये दो एंगल सेम है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, और ये दो आपका साइड्स भी सेम है, मतलब एंगल परपेंडिकुलर है, और इसका एक साइड सेम है देखो बीच वाला, ये वाला कॉमन साइड है। ठीक है, तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला आपका कंग्रुएंट आ जा रहा है, एंड कंग्रुएंट हो जाएगा तो ये दो साइड्स भी आपका इक्वल होगा, तो मतलब पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो यही वाला मैंने लिखा है पी ए इक्वल्स टू पी बी। अब पी ए का मतलब क्या है, पी पॉइंट से बी और पी पॉइंट से ए, मतलब पी पॉइंट से एल वन और एल टू जो दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन है उसका डिस्टेंस, और एक पॉइंट से हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, वो वाला अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दिया, ये वाला एल वन के लिए है, दिस वन इज फॉर एल टू, बस यही आपका मतलब इक्वेशन का फॉर्मूला है। आप इसके थ्रू चाहे थे निकाल सकते हो दो बाइसेक्टर। आप देखो प्लस माइनस क्यों दिया है, क्योंकि देखो आपके पास दो बाइसेक्टर है, तो एक से प्लस वाला आएगा, प्लस वाला से एक इक्वेशन आएगा, माइनस वाला से इक्वेशन आएगा, दैट इज वाई बी वन बी टू टू बाइसेक्टर्स। बात समझ आए सबको? यस सर। यस सर। बहुत खूब। तो चलो फिर एक प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम लिख लेते हैं पहले। बोल क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 12x माइनस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो बस ये तो इजीली हो जाएगा। कैसे होगा, आप मान लो आपके पास दो बाइसेक्टर है, आप लाइन का इक्वेशन मान लो, ये है आपका लाइन का इक्वेशन, दो लाइंस है आपके पास, इसमें से कोई एक को मान लो L1, किसी को L2 मान लो, ये वाला L1 मान लो, दिस इज L2 मान लो, एंड हम इसके ऊपर क्या करेंगे, बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। तो बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए हम, पर हम जानते थे कि फॉर्मूला क्या होता था, अगर हम इसको मान लेते चलो L1, दिस इज L1, दिस इज L2, सो क्या हो जाएगा, पहले इसी इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन आपको लिखा है वही लिख दो, 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइड बाय अंडर रूट कितना, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस ये वाला का 12x minus 5y minus 8 upon 12 का स्क्वायर minus 5 का स्क्वायर। हाँ या ना बोलो? यस सर। तो इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 3x minus 4y plus 7 by 5 आएगा, क्योंकि नीचे 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, root over 25 will be 5, और ये 12x minus 5y minus 8 एंड ये आएगा आपका 2x स्क्वायर कितना आएगा, 144, 5 स्क्वायर 13 आएगा, हाँ 13 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
अब देखो प्लस वाला है माइनस वाला है, तो दो केसेस लेना है। अच्छा एक बार में करते, 39x माइनस 52y प्लस 13 से बेंजा कितना होता है 91। प्लस 71 वाला लेंगे तो 5 12 60 माइनस 25y माइनस 40। तो आप देख पा रहे हो क्या करेंगे हम, दोनों को ही इस साइड ले जाएंगे, 40 को इस साइड ले जाएंगे, तो 131 60x माइनस 39x तो इट विल बी 21x माइनस 25y और 52y, तो ये बन जाएगा प्लस में 27y, तो ये बन जा रहा है आपका कोई एक। ठीक है, अब दूसरा वाला ले लो भाई, यस सर। तो नेगेटिव वाला लोगे तो लेफ्ट वाला तो सेम ही आएगा, 39x माइनस 52y प्लस 91, ये आएगा आपका माइनस ऑफ 60x प्लस 25y प्लस 40। 91 माइनस 40 करोगे तो कितना आ जाएगा इधर से आपका 51, और इन दोनों को इस साइड लेंगे, इसको इस साइड ले आते हैं चलो, तो आपका आ जाएगा प्लस 60 प्लस 39 आएगा 99x, एंड 99x प्लस 51 इक्वल्स टू 50y, 2y को इधर ले जाएंगे तो 52 और ये 25 ऐड होके 527, 527 77y, सो दिस इज द सेकंड वन, बस हो गया। तो ये बेसिक प्रॉब्लम था एकदम, राइट, समझ आया सबको, एक प्रॉब्लम भी दिखा दिया, यस फॉर्मूला का जस्ट प्रॉब्लम था, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करो हो जाएगा, बेसिक प्रॉब्लम था बेसिकली। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। नो सर। ठीक है चलो देन दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, ये वाला अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन टू होगा राइट, तो क्वेश्चन टू बोल क्या रहा है कि टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर गिवेन बाय द इक्वेशंस 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड इट्स थर्ड साइड पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -10 डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द साइड। पहले देखो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, सर आगे समझ बहुत को, तो एक बार मैं डिक्टेट कर देता हूँ। द इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल से तो टू इक्वल साइड्स हो गई, आर गिवन बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस, मतलब एक ट्रायंगल का दो साइड्स दिया है जो कि इक्वल साइड्स है और ये आइसोस्केल ट्रायंगल भी है ये बोला जा रहा है, एंड इट्स थर्ड साइड पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब इसका जो थर्ड साइड है वो इस पॉइंट के थ्रू जा रहा है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड। अब मुझे ये कैसे मालूम होगा, मतलब ये वाला पढ़ के तो समझ नहीं आ रहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर का प्रॉब्लम है, पर एंगल बाइसेक्टर इसमें कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो चलो पहले क्या बोला, टू इक्वल साइड दिया है आइसोस्केल ट्रायंगल का, अच्छा ठीक है, तो दो इक्वल साइड ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं, क्या बोलते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला एक है, ये वाला एक है, दो साइड्स, ठीक है, और आपको थर्ड साइड दिया है, मान लेते हैं ये वाला थर्ड साइड, ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है और ये दो साइड आपका
सेम है दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। मान लो कि ये वाला एल वन एंड दिस इज एल टू, लाइन वन एंड लाइन टू, एंड आपको बोला जा रहा है कि ये थर्ड साइड जो है ये आपका एक पॉइंट के थ्रू जा रहा है। मान लो ये वाला पॉइंट पी है जिसको हम नाम देंगे कितना, 1, -10। अब दो साइड इक्वल है तो बात तो सेम है कि ये वाला साइड भी आपका सेम ही होगा, ये तो बच्चों बच्चों को भी मालूम है। हाँ या ना। यस अब एक चीज देखो बेटा, आपको निकालना कौन सा है, व्हाइट वाला लाइन का इक्वेशन, इसका नाम दे देना है चलो डायग्राम समझ से। तो आपको व्हाइट वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है, हाँ या ना बोलो। सर, अब इसमें हम यस सर। एंगल बाइसेक्टर्स को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, देखो तुम तो। ये जो थर्ड साइड जो है मतलब वाइड वाला स्लाइड, ठीक है, अगर हम ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला जो पॉइंट जहां की ये दो लाइन कट कर रहा है, और इसमें अगर हम एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दे, तो अब देखो ना ये वाला साइड और ये वाइड वाला जो साइड है, ये दोनों ही लाइन मतलब पैरेलल ना हो जा रहा है। यस और दूसरा चीज भी आपको दिमाग में आ सकता है, एंगल बाइसेक्टर तो सिर्फ एक नहीं होता है इक्वेशन में, तो दो चीज आएगा, मतलब दूसरा वाला एंगल बाइसेक्टर ही आ जाएगा, जो कि आपका ऐसा हो सकता है, और ये पी पॉइंट के थ्रू भी जा सकता है। तो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये वाला भी आ जाएगा आपको। अब देखो चीज क्या होता है, तो मुझे अगर व्हाइट लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो देखो आपको पास ऑलरेडी एक पॉइंट दिया है जो कि व्हाइट लाइन के ऊपर है, तो अगर मुझे व्हाइट लाइन का स्लोप मिल जाए तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फ्रॉम मैं निकाल लूंगा ना इक्वेशन। सर तो मुझे वही तो करना है सर। ये जो आपका मान लो ये वाला बी वन है, ये वाला बी टू, अब देखो बी टू का जो आएगा उसका ही क्या आएगा, उसका स्लोप और व्हाइट लाइन का स्लोप सेम आएगा ना, क्योंकि पैरेलल हो जा रहा है। सर और बी वन का जो है उसका स्लोप और इसका स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ सर रेसिप्रोकल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जा रहा है। बात समझ आ रहा है बेटा, यस सर तो अब दोनों ही केस लगा सकते हो। तो मैं क्या करूंगा इसमें सर, इसमें मैं एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगा के पहले ये दोनों का इक्वेशन मतलब एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालूंगा, उससे ही मेरा व्हाइट वाला लाइन का स्लोप निकल जाएगा, और स्लोप निकल आएगा तो सर यूजिंग पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म प्रॉब्लम सॉल्व। टोटल वही समझ आया कि कैसे मैं सॉल्व करने वाला हूँ, यस सर, ठीक है ना। तो ये यस प्रॉब्लम सर पढ़ के सर समझ नहीं आएगा डायरेक्ट कि हाँ इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा समझ के बनाना, मतलब थोड़ा दिमाग में आना चाहिए, अगर आप ऐसे करोगे प्रॉब्लम्स तो आपको दिमाग में आएगा या स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये वाला यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम पढ़ के नहीं समझ आ रहा है, राइट। तो यस आपके सर, पास सॉल्व सिर्फ करना दो, पड़ता है। अच्छा अगर मैं जस्ट नॉर्मली पूछ रहा हूँ, अगर एंगल चलो मानते हैं, मतलब क्योंकि एक प्रॉब्लम बहुत तरीके से सॉल्व हो सकता है, अगर देखो ये वाला मैं एंगल बाइसेक्टर में दिखा रहा हूँ इसलिए आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये एंगल बाइसेक्टर से होगा, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ भी हो सकता है सेम थिंग, कि मेरे दिमाग में ना ही आ सकता है कि हाँ ये वाला एंगल बाइसेक्टर से होगा, अभी मेरे दिमाग में है कि ये चैप्टर एंगल बाइसेक्टर का है तो ये इससे हो जा रहा है। तो अगर एंगल बाइसेक्टर नहीं यूज करते तो इस प्रॉब्लम को करने का कोई और तरीका हो सकता था या नहीं, क्या आपको क्या लगता है, आपको कुछ आ रहा है दिमाग में, हो सकता है देख, होगा तो जरूर होगा, ठीक है। यस सर, कैसे हो सकता है, देखो आप ये जो दो लाइन है ना, जी सर, ये जो दो लाइन है आप इसका क्या कर सकते हो, ये जो पॉइंट है मतलब दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते थे, और आपको ये दोनों ही एंगल सेम दिख रहा है, तो आप इसका पॉइंट निकाल के इक्वेशन भी निकाल पाओगे, क्योंकि आप बस इधर से एंगल निकाल पाओगे। तो अगर एंगल निकाल पाओगे और ये दो इक्वेशन भी आपको दिया है, ये पिंक कलर का लाइन जो है राइट, यस सर, और ये वाला जो पॉइंट है इसका, अच्छा पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो वाला अभी अभी हमने दिखाया ये वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं, जी होगा तो जरूर, मतलब अगर आप कुछ और तरीका सोचने जाओगे वो भी होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। स्ट्रेट लाइन ऐसा एक चैप्टर है ना कि अगर आप सब कुछ जान गए तो एक एक प्रॉब्लम तीन चार दो तीन तरीके से बना, एटलीस्ट दो तरीके से बना ही लोगे अगर अच्छे से कमांड हो जाएगा। ठीक है चलो, पहले हम क्या करने वाले थे,
एंगल बाइसेक्टर, हाँ तो चलो एंगल बाइसेक्टर लिख लेते हैं। तो L1 कौन सा किसके को ले ले, L1 चलो इस एक को L1 ले लेते हैं, L1 आपका ये और करा लेते हैं, L1 ले लेते हैं आपको 7x minus y plus 3 equals to 0, L2 ले लेंगे सर x plus y minus 3 equals to 0, हाँ या ना बोलो? जी सर, राइट सर, सो फॉर बाइसेक्टर्स क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा देखो 7x minus y plus 3 upon under root x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर equals to plus minus, ये हो जाएगा सर x plus y minus 3 upon x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, हाँ या ना बोलो? यस सर, ये बनेगा 7x minus y plus 3 upon ये बन जाएगा आपका root over of 50 क्योंकि 7 square 49, 1 का स्क्वायर यस सर 1, this is equals to plus minus x plus y minus 3 upon बन जाएगा आपका under root 2, yes sir, अगर cross multiply करेंगे देखो इधर से 7x minus y plus 3 by root 50 को लिख सकते हैं ना बेटा हम कि 25 into 2 और 25 बाहर जाएगा तो ये सिर्फ 5 हो जाएगा और root 2 अकेला रह जाएगा और ये वाला root 2 right वाला root 2 से cancel out हो जाएगा, yes sir, जी सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7x minus y plus 3 plus minus 5 into x plus y minus 3, yes, तो पहले होगा 7x minus y plus 3 equals to कितना बेटा 5x plus 5y 5x plus 5y minus 15, 7x minus 5x आ जाएगा 2x, सर ये वाला हो जाएगा 18 और ये वाला हो जाएगा 4y, इधर से मुझे स्लोप निकालना था तो स्लोप विल बी व्हाट 1/2x plus 18/4, इससे कोई मतलब नहीं है 1/2 आ जा रहा है मेरा एक स्लोप, हाँ या ना बोलो? यस सर, यस सर, ठीक है बट मुझे लग रहा है कुछ गलती हुआ है, देखते हैं 7x आया है ये वाला मल्टीप्लाई करने से 15 डिवाइड, तो 7x minus 5x तो 2x हो जा रहा है, y को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिए सॉरी 6, अरे ये 6y होगा यार, ये 6y होगा, ये y इधर जा रहा है ना माइनस से प्लस हो जाएगा, राइट समझ आया? यस सर, यस सर, ये 6y होगा बेटा, तो ये 6y होगा तो इधर डिवाइड कर देंगे तो सर ये 1/3 होगा और ये 18/6 जो कि 3 हो जाएगा सर, तो मतलब इस केस में मेरा स्लोप बन जा रहा है 1/3, हाँ या ना बोलो? यस सर, यस सर, दूसरा वाला नेगेटिव मतलब 7x minus y plus 3 this is equals to minus 5x minus 5y plus 15, तो क्या आ जाएगा सर 7 plus 5 12x, 5y इधर आ जाएगा तो 5y minus y plus 4y और इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो सर 4y आ जाएगा इधर से 12 minus 12x, तो y आ जाएगा सर ये 3 minus 1/3x, so m should be minus 1/3, देखो दोनों ही perpendicular है इसलिए देखो दोनों का reciprocal multiply करोगे तो minus 1 आएगा, तो इससे ये proof हो जाता है कि bisectors जो है वो आपस में 90 degree में है, ये proof भी हो जा रहा है इधर से, वैसे कि ये मैंने दिखाया है आपको बट ये proof भी हो जा रहा है, मतलब problem सही है और slope भी सही निकाला है, ठीक है? Yes, sir. तो देखो स्लोप निकल गया तो बस बात खत्म, आप दोनों स्लोप ले लो, मतलब एक स्लोप को एक बार यूज करके ये वाला इक्वेशन निकालो, दूसरे वाले को यूज करके ये वाला निकालो, दोनों ही आंसर आ जाएगा, तो हम निकालेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, सो इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड क्या हो जाएगा केस 1, ये वाला केस 1 देंगे एंड दिस इज केस 2, सो केस 1 में हम करेंगे y minus y1, y1 को कौन सा वाला पॉइंट लेंगे सर, ये वाला पॉइंट x1 y1 1, minus 10, तो y minus y1 मतलब y plus 10, केस 1 में हमारा m आया था 1 by, अच्छा एक मिनट, ये कैसे minus 1 हो रहा है, ये तो अलग आ जा रहा है 1 by 3 और minus 1 रहे तो minus 1 by आया ना रहे, कुछ तो गलती हुआ है, फिर ये वाला 6 से डिवाइड किए थे हमने और ये वाला कहाँ जा रहा है, अच्छा ये वाला तो 3 आ जा रहा है, देखो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ 3 आएगा,
राइट, ये दो मल्टीप्लाई करके माइनस वन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, मैंने गलत मतलब लिखा गलत है, ये वाला थ्री आ जा रहा है माइनस। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो माइनस वन आ जा रहा है, राइट। थोड़ा आप लोग भी कैलकुलेशन देखो, नहीं तो कैसे होगा, अगर मैं अकेला ही करूंगा तो हो सकता है मेरे से भी गलती हो सकता है, ठीक है ना, आपको भी कैलकुलेशन देखना है। तो ये समझ आया कि हाँ दो माइनस थ्री और थ्री मतलब ये अब मल्टीप्लाई करने से माइनस वन आ जा रहा है जो कि सही है, अभी गलत था, ठीक है। तो केस वन में क्या आ जा रहा है मेरा स्लोप वन बाई थ्री, तो वाई माइनस वाई वन स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन का कितना था वन, तो एक्स माइनस वन कर दो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री वाई प्लस थर्टी दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, सो क्या आ जाएगा ये वाला इधर ले आओ तो थ्री वाई माइनस एक्स प्लस थर्टी वन इक्वल्स टू जीरो, ये वाला एक आ जा रहा है। दूसरा क्या हो सकता है केस टू की वाई प्लस टेन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ हो जाएगा माइनस ऑफ क्या आएगा थ्री आएगा ना केस टू में, yes, sir. ये वाला माइनस थ्री एक्स कितना होएगा एक्स माइनस वन, तो करो मल्टीप्लाई वाई प्लस टेन माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, सो वाई प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो। समझ आया कि नहीं? Yes, so, 3x plus 7 plus y equals to 0, तो दो आपका आंसर आ जा रहा है, तो ये दो ही हो सकते हैं आपका एक, जो ये है इसका थर्ड साइड, ठीक है ठीक है जी। ओके बेटा, तो एक बार देख लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है मतलब कुछ नहीं सिर्फ सॉल्व करना था, कुछ ही है नहीं वैसे, सॉल्व करो करते जाओ हो जाएगा, कंसेप्ट समझ आएगा तो सॉल्व कर लो। केस टू दिखाना, केस टू कहाँ है भाई केस टू? हाँ ये केस टू है, ओके सर। ओके बेटा चलो, अभी देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री? ये अच्छा वाला प्रॉब्लम है, ये मेंस सॉरी ये एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, ठीक है अच्छे से समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले देखते हैं, क्वेश्चन समझ आया या नहीं पहले पढ़ लो। टू साइड्स ऑफ रम्बोस ए बी सी डी, एक रम्बोस है ए बी सी डी का, आर पैरेलल टू द लाइंस। अच्छा मतलब रम्बोस का इक्वेशन नहीं दिया है, ये बोल रहा है कि रम्बोस का जो दो साइड है वो ये दो साइड का पैरेलल है, बात समझ आ रहा है अभी तक? इतना तक समझ आया। फिर बोल रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ द रम्बोस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1, 2, मतलब रम्बोस का जो डायगोनल है वो कहाँ इंटरसेक्ट करे 1, 2 पे, एंड द वर्टेक्स ए इज ऑन द
वाई एक्सिस, मतलब वर्टेक्स ए जो भी होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। फाइंड पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, मतलब आपको ए का पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो पहले एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं, थोड़ा समझते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। टोटल मुझे भी एकदम समझ नहीं है, थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो मान लो ये रोम्बस है और इसका जो साइड है ना, मान लो आपका ये दो साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड का मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों ही साइड आपका कोई दो क्या है, कोई दो लाइन ही इक्वेशन, मतलब दो लाइन से क्या है, पैरेलल है। तो मान लो ये वाला जो पैरेलल होगा वो कौन सा लाइन है, तो इक्वेशन y equals x plus 2 and y equals to 7x plus 3। चलो दो लाइन इसका पैरेलल में ड्रॉ कर लेते हैं। तो पैरेलल लाइन कैसे हो जाएगी, ये वाला एक पैरेलल लाइन और ये वाला एक पैरेलल लाइन, आ गया ना पैरेलल लाइन इसका। हाँ ये आपका पैरेलल लाइन है, ये कोऑर्डिनेट मत समझ लेना, ये आपका पैरेलल लाइन है। तो इसका इक्वेशन लिख देते हैं कि एक का इक्वेशन आएगा, मान लेते हैं y equals to 7x plus 3 and this one is y equals to x plus 2। दूसरा क्या बोल रहे हैं, diagonals of the rhombus intersect at point 1, 2। तो इसका diagonal भी draw कर लेते हैं, अब एक property है rhombus का, rhombus का जो डायगोनल्स है ना, ये इच अदर को 90 डिग्री पे कट करता है, मतलब ये परपेंडिकुलर होता है, ये भी ये भी ये भी ये भी, ठीक है। और ये पॉइंट जो है ये आपको बोल रहा है, मैं एक ही रखता हूँ, आपको समझ जाना है इससे ही। तो ये वाला पॉइंट दिया है आपका क्वेश्चन में 1, 2, हाँ या ना बोलो, समझ आ रहा है? Yes, sir. आपको डायरेक्ट रोम्बस का इक्वेशन दिया ही नहीं है, अगर वो दिया रहता तो ज्यादा इजी होता क्वेश्चन। बट एक चीज आप समझो, इसके साथ ये वाला पैरेलल है और इसके साथ ये वाला पैरेलल है, तो अगर मैं ये दो लाइन है इसका इधर अगर मैं क्या करूं, एंगल वाइज ड्रॉ कर लूं, मान लेते हैं ड्रॉ कर रहे एंगल वाइज, ये सेम कलर का हो जा रहा है, ये और कलर लेते हैं, ये वाला ये भी सेम हो जाएगा, ये लो से लेते हैं। हाँ तो ये वाला देखो, इधर जो आएगा आपका एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं और अगर आप गौर से देखोगे तो आपको चीज नजर आएगा, ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये वाला इसका नाम देते हैं क्या देंगे, चलो ये वाला B1 देते हैं, ये वाला B2 देते हैं। B1 वाला इस डायगोनल के साथ पैरेलल हो जाएगा और B2 वाला इस डायगोनल के साथ पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि टोटल टोटल जो आपका रोम्बस है इसका साइड भी इसके साथ पैरेलल है। तो अगर आप इधर इसका एंगल बाइसेक्टर लोगे ना, तो एंगल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि ये वाला इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, ये आप निकाल भी सकते हैं अगर चाहो तो। ये जो टोटल एंगल है इधर से 90 डिग्री आ जा रहा है और इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री आ रहा है, ये वाला चीज यूज करके आप निकाल सकते हो। तो ये मतलब मैं क्या बोल रहा था, B2 और ये वाला डायगोनल, समझ रहे हो ना कौन सा डायगोनल होगा? यस, B2 के साथ ये वाला, B1 के साथ ये वाला। अब ऐसे दिखाऊंगा तो डायग्राम थोड़ा गंदा हो जाएगा, इसलिए समझ गए ना कौन से कौन सा के साथ कौन सा हो रहा है। आपको समझना है कि हाँ ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ हो रहा है। तो एक चीज देखो, अगर हम इधर से एंगल वाइज सेटर ड्रॉ कर लेंगे तो उधर से मुझे इसका स्लोप ना मिल जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है, मतलब मैं एंगल वाइज सेटर का इक्वेशन निकालूंगा तो उधर से मुझे डायगोनल का भी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डायगोनल का स्लोप मिल जाएगा और पॉइंट तो ऑलरेडी मालूम है, तो यूजिंग दैट मैं निकाल सकता हूँ इक्वेशन। दिमाग में आया ये टोटल प्रोसेस कि क्या बोला मैंने? यस सर। तो चलो करते हैं, अभी क्या करेंगे, फिर निकालेंगे इक्वेशन। तो L1 मानते हैं किसी एक को, किसको मानेंगे L1? L1 मानते हैं, चलो ये वाला को, ये वाला को मान लेते हैं L1। सो दिस इज x माइनस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड इसको मानते हैं L2। सो L2 हो जाएगा आपका कितना, 7x
माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। हाँ या ना बोलो। अब बाई सेक्टर निकालेंगे। यस सर। बाई सेक्टर क्या होता है, एक्स माइनस किसी भी एक्स से स्टार्ट कर दो, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। अरे यार, एक्स माइनस वाई प्लस टू बाई एक्स का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर वन स्क्वायर, वाई का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर ये भी वन आएगा। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये प्लस माइनस हो जाएगा सेवन एक्स माइनस वाई प्लस थ्री अपॉन होएगा कितना, रूट ओवर ऑफ कितना होएगा, इसमें देखो एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब सेवन स्क्वायर, वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब दिस। हाँ या ना बोलो। सेम तरीके से देखो ये वाला फिर से 50 आ जा रहा है, तो ये होगा एक्स माइनस वाई प्लस टू वाई रूट टू, और ये 50 को हम लिख देंगे एक बार में सेवन एक्स माइनस वाई प्लस थ्री, ये होएगा 25 रूट ओवर ऑफ टू, दिस एंड दिस कैंसिल आउट। सर 25 हो जाएगा, सर 5 भी आ सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, 5 होगा, 25 के 25 तो रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो 5, राइट, ठीक है, नहीं तो फिर से गलती हो जाता। सही से देख रहे हो आप, बहुत खूब। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आएगा सर 5x माइनस 5y प्लस 10, और ये प्लस माइनस हो जाएगा सर 7x माइनस y प्लस 3। हाँ या ना बोलो। राइट अब इसमें दो केसेस होगा, तो कर लेते हैं सर। केस वन क्या होगा सर, 5x लिखते हैं, केस वन 5x अरे यार 5x माइनस 5y प्लस 10 से आ जाएगा आपका 5x और 2x प्लस 4y माइनस कितना आएगा ये 10 सॉरी 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो इधर से आप देखो 4y आ जा रहा है माइनस 2x प्लस 7, सो स्लोप हम बोल सकते हैं इसका कितना आएगा माइनस वन बाई टू। हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, केस टू भी देख लेंगे भाई, क्या बोल रहा है केस टू। 5x 5y 10, सो 5x 5y 7, तो ये माइनस प्लस में तो माइनस में जाएगा। मां हाँ बेटा, सर इसका हाँ m टू आएगा, सर इसका m इक्वल टू टू आएगा, जो पहला वाला ये वाला माइनस वन बाय टू लिखा है ये वाला। नो सर, सर केस टू का अच्छा, m इक्वल टू टू आएगा। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब बाइसेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, तो डेफिनेटली ये ऑपोजिट ही आएगा। हाँ ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। आप अगर निकालना नहीं चाहते हो तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो दूसरे वाले का, तो आपको जरूरत ही नहीं है इसका निकालने का, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। हाँ ऐसे कर सकते हो, थोड़ा छोटा हो जाएगा आपका, ठीक है, अच्छा चीज बोला है आपने। तो ये वाला फिर भी दिखा देता हूँ, स्टार्ट किया है तो देख ही लेते हैं कि सीख है या नहीं। तो ये 7x माइनस वाई प्लस, तो ये वाला बन जाएगा माइनस ऑफ 7x प्लस वाई माइनस 3, तो इट विल बी प्लस वाई माइनस 3। हाँ या ना बोलो। यस सर। देखो 5x और 7x 12x आ जा रहा है, ये वाला इधर जाएगा तो 6y बन जाएगा और प्लस 7, तो इधर से देखो y आ जा रहा है आपका 12 by 2 जो कि 2x plus 7 by 6, मुझसे सभी इससे मतलब है, तो ये आ जा रहा है आपका 2, ठीक है। बस अगर 2 आ जा रहा है तो आप देखो आप क्या कर सकते हो, अभी इक्वेशन ऑफ डायगोनल निकाल सकते हो, क्योंकि इसका ही स्लोप होगा, स्लोप सेम होगा और पॉइंट तो आपको दिया है, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म हम निकाल सकते हैं, राइट, तो निकाल लेंगे भाई। चलो निकालते हैं क्या हो जाएगा। सो इक्वेशन डायगोनल्स क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला वाई माइनस क्या आएगा, पॉइंट क्या था, पॉइंट क्या था 1, 2, सो वाई माइनस वाई वन मतलब 2 इक्वल्स टू एक्स वन वाला क्या था माइनस 1/2, सो इट विल बी माइनस ऑफ 1/2 एक्स माइनस 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, इधर से कितना आ जा रहा है एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 5। हाँ या ना बोलो, ये वाला एक आ गया है। यस एंड सेकंड वाला देखेंगे कितना आएगा, वाई माइनस टू, ये वाला टू इंटू एक्स माइनस वन, तो ये आ जाएगा आपका टू टू कैंसिल, सो वाई इक्वल्स टू टू एक्स, सो
ये वाला आपका दूसरा, ठीक है। अब देखो एक चीज आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको निकालना क्या था, फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ ए, और एक चीज बोला है देखो कि ए इज ऑन द वाई एक्सिस, अगर ए वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो आप बोल सकते हो ए का कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या आएगा, ए सर एक्स का सर जीरो होगा सर, हाँ वाई जीरो होगा, एक्स एक्स हाँ कुछ होगा, तो ए इज ऑन द वाई एक्सिस तो ए जीरो एक्स जीरो होगा, एक्स एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, देखो ए वाला पॉइंट क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे इसका फॉर्म आएगा जीरो कॉमा ए, मान लेते हैं ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है। अब देखो ये जीरो कॉमा ए जो होगा ये क्या है, ये इन्हीं दो डायग्राम के ऊपर है ना, कैसे, क्योंकि अब देखो एक चीज देखो ये चारों में से कोई एक तो है ना ए, हाँ या ना बोलो, किसी एक का, देखो चारों को ए लिख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि चारों ही है, चारों में से किसी एक का है, और आप देखो अगर चारों में से किसी एक ए होगा तो कोई ना कोई डायगोनल के ऊपर होगा ही होगा, आप इसको ए मानोगे तो ये वाला डायगोनल के ऊपर होगा, इसको ए मानोगे तो ये वाला डायगोनल के ऊपर होगा, इसको मानोगे फिर से वो वाला डायगोनल, तो मतलब ए का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, जो भी होगा वो दोनों ही डायगोनल का इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। बात समझ आया मेरा, रिपीट कर दो। मतलब आप मान लो कि ए कहा, अब मुझे मालूम नहीं चारों चारों वाला जो वर्टेक्स है इसमें से कौन सा वाला ये है, मान लो ये वाला पहले एक्स है ए है, बाकी बी सी डी है, तो अगर ये ए होगा तो देखो ये वाला इस डायगोनल के ऊपर ना हो जा रहा है, मतलब इस डायगोनल का इक्वेशन को ना सेटिस्फाई करेगा, यस सर। तो ये तो एक केस हो गया, और ऐसा भी तो हो सकता है सर ये इधर हो जा रहा है, तो ये अगर इधर होगा तो इस डायगोनल का इक्वेशन को ना सेटिस्फाई करेगा, जी सर। आप बोलोगे सर दूसरा वाला भी तो हो सकता है, और दूसरा वाला होगा तो फिर से पहला वाला केस ही आएगा, क्योंकि ए वाला ए और ए वाला दोनों ही तो एक ही डायगोनल के ऊपर हो जा रहा है, मतलब yes, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ए इन चारों में से कोई भी हो कोई ना कोई डायगोनल के ऊपर जरूर होगा, जी सर। और आपको बोला है फाइंड पॉसिबल कोऑर्डिनेट, मतलब आपको दोनों ही केस कंसिडर कर देना है कि दोनों ही डायगोनल के ऊपर में से कोई एक हो सकता है, अब कौन सा होगा मालूम नहीं तो पॉसिबल दोनों ही केस निकाल देंगे, बात खत्म फिर। तो हम क्या करेंगे, सो फॉर फर्स्ट डायगोनल क्या आएगा, कुछ और कलर कर देते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट डायगोनल के लिए क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस टू वाई इक्वल्स टू फाइव, एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू, अब देखो फर्स्ट कौन सेकंड कौन ऐसा कुछ नहीं है, दो डायगोनल के लिए फर्स्ट सेकंड कर रहे हैं, आप किसी एक को फर्स्ट मानो किसी एक को सेकंड, तो इसमें बैठा हो गया तो क्या हो जाएगा टू इंटू ए इक्वल्स टू फाइव, क्योंकि एक्स तो जीरो है तो ए इक्वल्स टू फाइव बाई टू, इस केस में आपका ए का कोऑर्डिनेट आ जा रहा है जीरो कॉमा फाइव बाई टू, और सेकेंड के लिए देखो इक्वेशन कौन सा वाला होगा वाई इक्वल्स टू एक्स, तो वाई का वैल्यू कितना है आपने लिया है जीरो कॉमा ए लिया है, तो वाई का ए आ रहा है वाई इक्वल्स टू इंटू जीरो, सो आपका ए कितना आ जाएगा इधर से ए विल बी जीरो, मतलब दूसरा वाला आ रहा है दोनों ही जीरो, तो यही आपका आंसर है, पॉसिबल कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सर, पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ ए कोऑर्डिनेट्स आर ए सॉरी जीरो कॉमा जीरो एक आया है, दूसरा आया है जीरो कॉमा फाइव बाई टू, अच्छा प्रॉब्लम था ये, राइट जी सर। तो एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ, होमवर्क आपका इजी है, मतलब इससे इजी है, ठीक है, आप ये वाला समझ जाओगे तो होमवर्क वाला कर ही लोगे, क्या बोल रहा है होमवर्क क्वेश्चन की, टू साइड्स ऑफ ए रॉम्बस, इसमें डायरेक्ट रॉम्बस का साइड ही बोल रहा है, मतलब इक्वेशन में आर अलोंग द लाइंस एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो एंड सेवन एक्स माइनस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो इफ इट्स diagonals
इंटरसेक्ट एट -1, -2 देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्टेक्स ऑफ दिस रंबस. ये आपका मेंस में आया था 2016. ऑप्शंस आर 1/3, -8/3, 1/3, -8/3 को आपका वो सब सब्जेक्ट का टेस्ट रहेगा. ठीक है, ये कंबाइंड टेस्ट. और आपका क्लासेस एक्सटेंड हो गया है. मैं जो बोल रहा था ना लास्ट दिन, कल बोला था कि 12th तक होगा, ऐसा नहीं. आई गेस ये एक्सटेंड होकर 24th तक हो गया है. और उसके बाद से आई गेस बहुत बच्चों का, बहुत स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए आई गेस 24th तक रैप अप कर देंगे हम लोग क्लास. एंड देन फिर से आपका 12th का स्टार्ट हो जाएगा मार्च, मिड ऑफ मार्च मान लो. ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, छोड़ देंगे. ठीक है, तो चलो गुड नाइट सर, पढ़ाई करो, रिवाइज करो. थैंक यू सर. गुड नाइट सर. गुड नाइट सर. चलो.